हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी। मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S23 FE वजह फैन एडिशन के बारे में, जो स्मार्टफोन नया आया है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका रिव्यू भी कर चुके हैं भाई, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट में इसका सेल भी चालू हो गया है। एंड भाई, मैं सोच रहा हूँ कि इस डिवाइस के बारे में ना कुछ ऑनेस्ट बातें ऐसा कर लिया जाए जहाँ पे कि ब्रांड की तरफ से पैसा भेजा हुआ झोलझाल बातें नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन बातें, जिससे भाई आप लोगों को थोड़ा मदद हो कि ये वाला डिवाइस 60,000 के रेंज में लेना सही है या फिर नहीं। तो वो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं इस डिवाइस के बारे में, एकदम प्रॉपर सबसे पहले डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का फ्रंट देखने को मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 का बैक देखने को मिल जाता है, एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाता है, IP68 का मतलब वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो रेटिंग होता है IP68 का। तो इससे मतलब ऐसा होता है कि डिवाइस काफी स्टडी हो जाता है, डिवाइस काफी सही हो जाता है। अंडर वाटर मतलब वीडियोग्राफी कर सकते हो, पानी वानी लगे जाए, पानी में गिरे जाए, चुबा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइस आपका एकदम सही सलामत रहेगा। और यहाँ पे अगर डिस्प्ले का बात करते तो डिस्प्ले डायनेमिक AMOLED 2X देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले भी काफी सही है, 6.4 इंच का साइज है इसका। यहाँ पे 1450 nits का पीक ब्राइटनेस है। एंड ये वाला जो डिस्प्ले है ना, ये मतलब वो फ्लैगशिप लेवल का जो डिस्प्ले होता है, एकदम वही लेवल का डिस्प्ले है। एंड यहाँ पे अगर चिपसेट का बात करते हैं तो यहाँ पे Exynos 2200 4 नैनोमीटर वाला देखने को मिल जाता है, ये सैमसंग का मतलब फैब्रिकेशन किया हुआ है। एंड इस प्रोसेसर के साथ क्या है, मतलब Exynos के साथ मतलब पुराना रिपोर्ट है कि भाई हीट करता है Exynos, उतना ज्यादा मतलब ऑप्टिमाइज नहीं होता। पर सैमसंग का जो है UI 5 का जो सीरीज है, मतलब उसका जो स्क्रीन सीरीज है एंड्रॉयड का, वो काफी ज्यादा होता है, भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक दिक्कत मतलब डरने वाली बात हो सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि भाई यहाँ पे 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, 4 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट होता है, तो यहाँ पे डरने वाली बात तो डेफिनेटली है। कैमरे का अगर बात करते हैं तो मतलब 60,000 के रेंज को जो जस्टिफाई नहीं करता है इसका कैमरा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे और भी बढ़िया बढ़िया कैमरा अलग अलग डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम वाला जो है टेलीफोटो देखने को मिल जाता है, एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। ये वाला जो मतलब कैमरा सेटअप है ना, ये यूजुअली 40,000 के अंदर अगर मिलता है तो सही है, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोटो में OIS नहीं है, टेलीफोटो जो है 8 मेगापिक्सल का है। एंड यहाँ पे फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का जो है एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफी छोटा साइज का पंचोल में मतलब ऐसे विराजमान है, वो हमारा जो अलग बात है। एंड यहाँ पे 8K 24fps में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये काफी बढ़िया बात है। अभी बात करते हैं इसका जो है आप बैटरी के बारे में, बैटरी यहाँ पे मतलब है 4500 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है 25W के चार्जर के साथ। यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूंगा, अगर सैमसंग से हट के थोड़ा सा किसी और ब्रांड की तरफ जाओ तो 60,000 के रेंज में 5000 mAh का बैटरी हम लोग मतलब ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं भाई। अभी इसका जो प्राइस है, ये ऑफिशियली मैंने बताया जो है 59,999 ऐसा शो कर रहा था, उसके साथ ऑफर होगा भाई, ऑफर में भाई ये होगा 55 या 50 में आ रहा है, तो इसीलिए मैं 50 से लेकर 60,000 के अंदर बोल रहा हूँ भाई, नीट प्राइस जो है उसी का बात कर रहा हूँ। हर किसी के पास ऐसे मतलब ऑफर जो है अप्लाई करने के लिए सब कुछ नहीं होता है, कार्ड वार्ड सब कुछ नहीं होता है, लोग जो होता है भाई एकदम नीट ऑर्डर कर देते कई सारे लोग, तो मैं उसी लेवल पे ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या सैमसंग गैलेक्सी S23 FE 5G जो स्मार्टफोन है, ये भाई 50 से लेकर 60,000 के जो बजट है उसे जस्टिफाई करता है भाई? अगर ये 40,000 के नीचे आता है ना तो आग बंद करके उठा सकते हो, पर उससे ऊपर अगर आता है तो नहीं उठा सकते, क्योंकि दो चीज़ है यहाँ पे भाई। एक Exynos का जो प्रोसेसर है 2200, ये एक दिक्कत वाली बात है, और सेकंड जो चीज है कैमरा सेटअप अच्छा है पर 60,000 के रेंज का नहीं है भाई। अभी बात करते हैं तो अगर ये वाला डिवाइस नहीं है तो सैमसंग का कौन सा वाला डिवाइस इस बजट में उठा सकते हो? तो भाई 55, 54 ऐसा 52,000 के अंदर जो है सैमसंग गैलेक्सी S22 5G जो है वो देखने को मिल जाता है। वो वाला डिवाइस में जो है फैन एडिशन का मतलब क्या होता है भाई, S23 सीरीज जो आया था उससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके कुछ कुछ फ्लेवर सेम रख के डिवाइस को बेचा जाए, ताकि जो लोग मतलब सैमसंग के S23 सीरीज का जो फैन है, उन लोगों के लिए ये डिवाइस काफी सही हो सके। पर यहाँ पे जो है वहाँ 8th generation 2 यूज किया गया था 23 सीरीज में, पर यहाँ पे जो है 23 FE में Exynos 2200 पे उतर आया है ये लोग। पर S22 5G जो है सैमसंग गैलेक्सी S22 5G वो छोटा वाला, उस डिवाइस में आपको मतलब ऐसा क्या है, एक साल पुराना है पर वो प्रीमियम सीरीज का ही मतलब हिस्सा है, वो कोई फैन एडिशन सीरीज नहीं। एंड वहाँ पे जो है Qualcomm Snapdragon 8th generation 1 का मतलब जो है प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो वहाँ पे कैमरा सेटअप भी काफी तगड़ा देखने को मिलता है। कैमरा सेटअप वहाँ पे 50 megapixel OIS के साथ, वाइड एंगल 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 3x ऑप्टिकल जूम, ऊपर से OIS देखने को मिलता है टेलीफोटो में।
23 FPS में देखने को नहीं मिलता है एंड वहाँ पे जो है 12 MP का अल्ट्रा वाइड है, तो सब कुछ मिलकर वहाँ पे भी आप 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो और वो वाला डिवाइस जो है वो आपको काफी सही बजट में भी देखने को मिलता है। तो अगर ये हो गया, जिन्हें लोगों को सैमसंग के ही स्मार्टफोन चाहिए उसी बजट में, उन लोगों के लिए ये सवाल हो गया। अभी कुछ लोगों का होगा भाई 50 से लेकर 60 हज़ार के अंदर, जो है 60 हज़ार के अंदर अराउंड अराउंड हम लोगों को एक बढ़िया इस लेवल का तगड़ा किसी भी ब्रांड का चलेगा एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा OnePlus 11 जो है वो उठा सकते हो, क्योंकि भाई वहाँ पे प्रोसेसर भी फ्लैगशिप लेवल का है, कैमरा जो भी है वो हैसलब्लैड के ब्रांडिंग के साथ काफ़ी तगड़ा मतलब ऐसे कैमरा देता है, काफी सही बजट में काफी सही स्मार्टफोन है OnePlus का, मतलब फ्लैगशिप सीरीज। तो भाई जिन लोगों को ये कट टू कट ओपिनियन, कट टू कट रिव्यू जिन लोगों को पसंद आया वो लोग भाई इस वीडियो को मतलब लाइक कर दे, और जिन लोगों को इसी तरह का मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन पसंद है, अनवायर ओपिनियन पसंद, वो लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर डेफिनेटली भाई बेल बजा दे एंड भाई इस वीडियो को जरूरतमंद तक शेयर कर दीजिए, जिन लोगों को ये वीडियो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई दिखाना चाहिए उन लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।